यस, ये हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आपको आइडिया देगा बेटे। तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर से करना है वो ये करना है बेटे कि डरना छोड़ना है और चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, इवन इन एनी सब्जेक्ट, आइदर इन साइंस और जीके और मैथ्स, वट एवर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी 2019 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर है। उसका क्वेश्चन है, द फोर टाइम द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया देन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जो होता है, अगर जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं पहले फॉर्मूले लिखता हूँ, फिर जो लैंग्वेज गिवन है वो लिखता हूँ, फिर देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉलिड्स और फिगर्स आर गिवन। इफ द फोर टाइम द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ ए सिलेंडर, ये मेरे पास। Four times the sum of the areas of two circular faces of a cylinder. आपके पास जो सिलेंडर होता है जो उसका टॉप और बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर का मतलब सिर्फ सिंपल यहां सर्किल की बात कर रहे हैं। तो क्या हमें सर्कल के बारे में पता है या नहीं? तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, जिसे आप सर्कमफ्रेंस कहते हो, और जो एरिया होता है वो πr² होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। अच्छा, उससे आगे क्या कह रहा था, इज ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया। जो आपका सिलेंडर होता है तो उसका जो ये राउंड सरफेस है उसको आप कर्व्ड सरफेस कहते हो। तो जब आप बात कर रहे हो सिलेंडर की, तो सिलेंडर की मैं अगर बात करूं, मुझे सिलेंडर में क्या क्या पता होना चाहिए? तो सिलेंडर में एक तो रेडियस होता है आर, एक उसकी वर्टिकल हाइट होती है एच, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h प्लस r, उसका वॉल्यूम होता है πr² h, दैट्स इट। अगर मुझे इतना पता है तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए इस क्वेश्चन, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट कि मुझे इस चैप्टर की, इस टॉपिक की क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब व्हाट इज द क्वेश्चन, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोशिश करो, जस्ट इंटरप्रेट द क्वेश्चन एज द लैंग्वेज गिवन, जस्ट चेंज द वर्ड्स इनटू सिंबल्स। मैथ्स का सीधा फंडा है, चेंज द वर्ड्स इनटू सिंबल्स, और पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आपको 10 20 50 क्वेश्चन नहीं करने, आपको दो क्वेश्चन करने, लेकिन इतने अच्छी तरीके से, इतने डेप्थ वे में करने। क्वेश्चन कह रहा हूँ, टॉपिक नहीं कह रहा हूँ, चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, कि आपको उसका हर एक मीनिंग समझ में आ रहा हो, तब मजा आएगा। आप 50 क्वेश्चन करें और एक भी क्वेश्चन आप इस तरह से ना कर पाए कि दूसरे को समझा सकें या दोबारा कर सकें, तो मजा नहीं आएगा। अब इसे इंटरप्रेट करना शुरू करो क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है इफ फोर टाइम्स, तो फोर टाइम्स का मतलब होता है 4 × सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ ए सिलेंडर। सम का मतलब होता है प्लस, किसको प्लस कर रहे हो? जो सर्कुलर फेसेस हैं उनको प्लस कर रहे हो। तो नीचे वाले का एरिया होता है πr², ऊपर वाले का एरिया होता है πr², तो दोनों का एरिया हो गया, मैं फिलहाल πr² ही लिख रहा हूँ, तो ये दोनों का सम हो गया। उसका फोर टाइम आपसे कह रहा था, फोर टाइम द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8। ये जो सिलेंडर है, अभी तक इसके बारे में ये नहीं दिया था कि रेडियस क्या है, हाइट क्या है। तो हाइट इज 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू,
ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, ये मेरे पास। देन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, आपको जो है इस क्वेश्चन में डायमीटर निकालना है विच इज 2R, इतनी सी बात है। तो अब आप खुद सोचो, ये मेरी इंफॉर्मेशन हो गई कि मुझे इस ये मालूम है या नहीं मालूम, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि ये गिवन। अब इसे सॉल्व करो, ये जो होगा πr² πr² ये 2πr² हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि भाई सम तो 2πr² होता है, और ये हमारे पास जो हो रहा है ये हो रहा है 4πrh। अब जरा कैंसिल करते चले जाओ, किससे क्या कैंसिल हो सकता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1R से 1R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस साइड बचेगा बेटे 2R। 2R को मैंने कहा है डायमीटर, विच इज इक्वल्स टू एच, एच गिवन था मेरा 8, तो यही मेरा आंसर है, बस इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था। अब बताओ कितने सेकंड लगेंगे और कितनी डेप्थ इसके लिए चाहिए। सब बच्चों को क्लियर है? अरे yes, बोला था करो, सोते रहते हो आप सब तो। यस सर, यस सर, यस। गुड, नोट करो बेटा। यस सर। जी बेटे। फिगर बताना पड़ेगा। जी बेटे। बोलिए बेटे। कुछ नहीं सर। नहीं, अगर आपको किसी भी बच्चे को बेटे कहीं पे भी कोई डाउट है प्लीज पूछिए, यहाँ शर्माने के लिए नहीं है जगह, ठीक है। हेजिटेशन अगर होगा तो फिर तो कुछ फायदा नहीं हुआ कि हम बाद में पूछ लेंगे या पहले खुद पढ़ के लेंगे, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आप अभी पूछिए खूब आराम से, उसके लिए खूब गुंजाइश है। तो अगर किसी भी बच्चे सर, अभी को प्रॉब्लम नहीं है। वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। डी सर, डी इक्वल्स एच कैसे हुआ? डी इक्वल एच नहीं हुआ बेटे, एक्चुअली डी इक्वल एच नहीं हुआ है, आपके पास लास्ट में क्या बचा है ये बताओ। यहाँ यहाँ पे जो है बेटे, यहाँ क्या बचा, यहाँ नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, 2R बचा है, 2R, 2R, तो 2R, और राइट साइड क्या बचा बेटे, H, H, और H कितना दिया हुआ बेटे, 8 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा डायमीटर कितना होता है बेटे, रेडियस इनटू 2, रेडियस का डबल होता है ना बेटे, तो आप 2R को क्या कह सकते हो। जी सर, समझ में आ गया। आगे ना बेटे, तो डायमीटर इज 8, क्योंकि हमें तो वहां एग्जाम में टाइम भी बचाना है ना, तो जहां जितना टाइम बच जाए अच्छी बात। नोट, ये पूरी क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है और इसका पूरा वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप बार बार उसको पीछे जाके भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये शीट भी मिलेगी जिसपे मैं लिख रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको वर्ड फॉर्म में या पीडीएफ में ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। बट प्लीज सब बच्चों को कहिए, ठीक है, आपसे जितने भी हमारे ग्रुप बने हुए हैं गर्ल्स या बॉयज या जितने भी, जो बच्चे एक्टिव नहीं है मैं उनको उस ग्रुप से निकलवा दूंगा। तो जो बच्चे एक्टिव है डेली क्लास ले रहे हैं वही उस ग्रुप में रहेंगे। सर मुझे भी ऐड कर लीजिएगा ग्रुप। अच्छा जी सर, जरूर इंशाल्लाह। आप तो ऑफिस में फोन कर देना बेटे, शहबाज सर को या सर को कर देना, जिसको भी आपके फ्रेंड्स को होना है, आपको होना है किसी को, बट एक्टिव रहिए क्योंकि आज मंडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह आपके टेस्ट भी होंगे प्रॉपर ऑनलाइन ही, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब पता नहीं कब ओपन हो कैसे हो, बट आपको ऑनलाइन सपोर्ट बहुत मिलती रहे। इज दिस क्लियर, डन? यस सर। नोट कर लिया बेटे? नो सर, नहीं। कर लीजिए आराम से, आराम से, कोई जल्दी, मैंने कहा दो क्वेश्चन करें बेटे बट अच्छे से करें, कोई ऐसा जल्दी नहीं। जब आप तरीका सीख लेंगे, मेथड सीख लेंगे, फिर आपको कोई जरूरत नहीं, फिर आपको चल लेना। यू हैव टू लर्न द ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव मैनर, सब्जेक्टिव नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की होती है कि 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, पढ़ना भी है, सोचना भी है, सॉल्व भी करना है, उसको OMR शीट में फिल भी करना है, तो मेन प्रॉब्लम इज टाइम, स्पीड।
हिबा है क्लास में? यस सर। समझ में आ रहा बेटे? यस सर। चेंज करें बेटे, आगे बढ़े? यस सर। गुड। देखिए वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। हमारे पास क्या है बेटे, ये क्वेश्चन दिया हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे डिटेल नहीं चाहिए, डेप्थ नॉलेज ऑफ द चैप्टर या टॉपिक नहीं चाहिए, बट 100% आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू आना चाहिए। इतना बस करना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटे, विजिबल है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। अगेन आपको क्या करना है बेटे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन, किस सॉलिड के बारे में ये बात कर रहा है, क्या क्वेश्चन है, बस ये हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, हमसे कह रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए ऑफ होलो हेमिस्फीयर। तो मैं बात करता चलता हूं, व्हाट इज होलो हेमिस्फीयर। ये हमारे पास होलो हेमिस्फीयर होता है। अगर हमारे पास ये बेटे होलो हेमिस्फीयर है तो वी नीड ओनली रेडियस, तो फिर आपको सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। अगर आपको रेडियस मालूम है तो एक होता है बेटे कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr². ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr². प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब होता है सराउंडिंग का एरिया, चारों तरफ का। ठीक है, उसका टॉप और बेस छोड़ दीजिए। तो इस हेमिस्फीयर में अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारे पास है ये सराउंडिंग का एरिया है, ये इसे कहेंगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो ऊपर बचा हुआ है इसे आप टॉप कह सकते हो, या इसे अगर इन्वर्टेड कर देंगे तो इसे बेस कह सकते हो। तो येलो पार्ट का जो एरिया है वो है 2πr², दैट इज दिस वन, और जो ऊपर का पार्ट का एरिया है वो है 3πr², अगर उसमें आप टॉप बेस भी ऐड कर दो। एंड वन मोर थिंग इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम होता है 2π3πr³। ये चीज आपको जब तक ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है, आप सिर्फ एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, और उन फॉर्मूलों को जितनी बार आप खुद से लिख सकें वो कोशिश करिए, बस जितनी भी बार आप उन्हें लिख सकते हैं बैठे बैठे। चैप्टर को बाद में पढ़ना है, क्वेश्चंस को बाद में प्रैक्टिस करना है, सुबह दोपहर शाम दो बार, चार बार, छह बार आपको इन फॉर्मूले को लिखते जाना है, बस इतना सा करते रहेंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो हमारे पास क्या था इसमें, एक तो ये बात कर रहा था होलो हेमिस्फीयर, तो हमने लिख लिया माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की भी बात कर रहा है तो सिलेंडर के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हमारे पास सिलेंडर होता है, वैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही था। उसमें अगर आपको चाहिए होता है, उसमें आपको रेडियस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होता है, और उसका जो CSA होता है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, वो होता है 2πr h। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr h+r, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। ये हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड लिखा जा रहा है, इसे दोबारा लिख। तो CSA होता है 2πr h, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h+r,
अभी तो मैंने आज सिर्फ स्टार्ट किया, क्लास जब लूंगा मतलब इंशाल्लाह कल भी लेंगे क्लास, डेली आपकी मैथ्स की क्लास होगी अब इसी टाइम, तो तैयार रहिएगा। तो मैं आपको फॉर्मूले याद करने का मेथड भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, ये सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले कॉन्सेप्चुअल कैसे देखते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको लर्न करने की ट्रिक भी दे सकें। और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब व्हाट इज द क्वेश्चन वो देखते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर। आपके पास क्या है, चलिए बना लेते हैं, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये हमारे पास सिलेंडर है, आपने इसको माउंट किया हुआ, कवर किया हुआ लाइक दिस। अब इतनी सी बात हो गई, तो आपका इस द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो आपका हेमिस्फीयर है उसका जो ये डायमीटर है दिस पार्ट इज 14। अब अगर डायमीटर बेटे 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, और इस जो आपका सॉलिड है इसकी जो हाइट है वो 13, ये 13। तो अगर ये 13 है तो अब इसमें से क्या करना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल है और हेमिस्फीयर की रेडियस है 7, ये टोटल आपने लिखी है 13, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन है आपका 7, तो इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन 6 रह जाएगा। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. बस सबसे पहले जो आपको मेंसुरेशन में करना है, सर मुझे नहीं आया, या नहीं समझ में आया, हमने डायमेंशन कैसे निकाले, ये कह रहे हो? नहीं सर, ये 7 और 6 सर हाइट। हाँ अच्छा, चलो चलो चलो, देखो आपके पास क्या है, आपके पास है एक हेमिस्फीयर, है ना, ये हेमिस्फीयर, ये समझ में आ रहा है? यस सर। और इसका इसका डायमीटर कितना है? 14। तो इसका रेडियस कितना है? 7। वेरी गुड। तो 7 का मतलब है, हम पहले 7 की ही बात कर लेते हैं कि यहां से ये रेडियस बेटे 7 होगा, यस सर नो? यस सर। और ये क्या होगा, ये हाइट होगा, क्या हेमिस्फीयर में हाइट होती है या हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है? सिर्फ रेडियस होती है सर, 7 ही होगा ये भी। हाँ बेटे, यस सर, हेमिस्फीयर में हाइट होती है क्या? नो सर। तो हेमिस्फीयर में ये वाला पार्ट भी क्या होगा बेटे? 7 हो जाएगा। वेरी गुड, तो यही हम कह रहे थे। अब हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर बेटे सिलेंडर बना दिया एक, इसको सिलेंडर ने कवर किया हुआ था, माउंटेड बाय ऐसे, ठीक है, और वो इसी पे ही पूरा पूरा कवर हो रहा ये। अब आपसे क्या कह रहा था कि इस पूरे की हाइट 13 है, पूरे वेसल की, पूरे बर्तन की, पूरा जो सॉलिड है दैट इज 13, ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट कितना है बेटे? ये वाला 7 सर। वेरी गुड, तो ऊपर वाला पार्ट बेटे 6। गुड, आप समझ में आ गया? यस सर, यस। गुड, तो आपसे मैं वही कह रहा था बेटे, प्लीज सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए कि जब आप इस तरह के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि क्या आपको उन सॉलिड्स के डायमेंशन समझ में आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, मतलब डायमेंशन का क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। डायमेंशन का मतलब ये है, अगर मेरे पास हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ रेडियस चाहिए होता है और उसका रेडियस मुझे पता है। और जो मेरे पास सिलेंडर है उस सिलेंडर में मुझे रेडियस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होती है,
तो अगर मेरे पास ये सारे डायमेंशंस आ गए तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई बेटा नहीं? यस सर। गुड। तो अब हमारे पास सिलेंडर की रेडियस हाइट मालूम है, हेमिस्फीयर की रेडियस। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, अभी मैंने सिर्फ इतना पढ़ा था कि किसके बारे में है, उसके मुझे फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी बेटे, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये निकालना है बेटे। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, ठीक है। और सब बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, जब भी सरफेस एरिया की बात आती है तो आपको ये सोचना है कि मुझे उस सॉलिड पे पेंट करना है, कलर करना है। तो मुझे कलर कहाँ कहाँ करना है ये देखना है, ठीक है सर। तो अब आप सोचो कि आपके हाथ में एक बाउल है जिसमें नीचे स्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेरिकल, और चारों तरफ सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो मुझे पेंट करना है दो पार्ट पे। किस दो पार्ट पे? मुझे पेंट करना है दो पार्ट पे, एक सिलेंड्रिकल पार्ट पे और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट पे। तो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट का कौन सा एरिया मैं लूंगा ये देखना है आपको। इनर सरफेस एरिया, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश जी बेटे, इनर सरफेस एरिया। तो अब आप सोचो आपके पास सिलेंडर है तो सिलेंडर का कौन सा एरिया लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें कंफ्यूजन दो चीजें होती हैं कि भाई इनर सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, मैं आपके लिए लिख रहा हूं सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब होता क्या है, जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सिलेंडर पार्ट में हम कर्व्ड सरफेस एरिया लें या टोटल सरफेस एरिया लें, हेमिस्फेरिकल पार्ट में भी कर्व्ड सरफेस एरिया लें या टोटल सरफेस, ये हमें गड़बड़ होती है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इनर सरफेस एरिया चाहिए, तो अगर आप अंदर से पेंट करेंगे सिलेंडर में, अंदर से पेंट करेंगे सिलेंडर में, तो क्या सिर्फ आप दीवारों पे पेंट करेंगे सिलेंडर की या उसके टॉप और बॉटम में भी पेंट कर पाएंगे? जी बेटे, आप मान लो गिलास अपने हाथ में लो और मुझे गिलास के अंदर पेंट करना है जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, नीचे उसके जो बॉटम है उस पर नहीं करना है। तो गिलास के कौन से पोर्शन पे आप पेंट कर पाओगे, पॉलिश करनी है, पेंट करना है? सिर्फ चारों तरफ से पेंट कर पाओगे ना, उसके टॉप पे बैटम पे नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ पेंट करना है सिलेंडर का पार्ट, है ना। तो सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या यूज करेंगे? कर्व्ड सरफेस चारों तरफ का, सिर्फ सीएसए ऑफ सिलेंडर, ये वाला पार्ट। अच्छा, अब आप पहुंच गए नीचे बॉटम में, तो नीचे जो बॉटम है वो हेमिस्फेरिकल है। आप कभी ये सोचो, आपने आप ये सोचो कभी कभी जो आपके पास कोका कोला की बोतल आती है ना, कोका कोला की जो बोतल होती है, जो हम प्लास्टिक वाली बोतल होती है, उसमें नीचे वाला पोर्शन फ्लैट नहीं होता है, थोड़ा सा राउंड शेप होता है। जस्ट लाइक अगर आप उसे नीचे से काटोगे तो हेमिस्फेरिकल की तरह से निकलेगा, और जो बोतल ऊपर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। तो बस आप यही समझो, तो जो कोका कोला की बोतल पे जो रैपर लगा होता है वो लगा होता है सिलेंड्रिकल पोर्शन पे, और नीचे वाला पोर्शन उसका ऐसे ही एम्प्टी होता है। तो हम दोनों को अलग अलग ले रहे हैं, तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो कर्व सरफेस एरिया, फिर नीचे पहुंचेंगे तो वो भी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हेमिस्फीयर में टॉप नहीं ले पाएंगे। दोनों का जो टॉप वाला पोर्शन है वो दोनों में ही नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है। तो दोनों में कौन सा वाला पोर्शन यूज हो रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कुछ बच्चों को समझ में आया या नहीं आया जी?
नहीं बात समझ में आई, सीएसए कैसे ले रहे हैं? जी सर आ गए। आप सिर्फ सराउंडिंग का एरिया ले रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ये मेरा हाथ नजर आ रहा है सब बच्चों को? यस सर। अगर इस हाथ की बात करेंगे तो जो आप चारों तरफ से लेंगे वो सीएसए है, तो जो सिलेंडर है वो सीएसए, और फिर नीचे जो रह जाएगा वो भी अंदर जो है टॉप नहीं ले रहे, वो भी सीएसए। सिर्फ इतना कंसिडर करना है। अब सीएसए क्या होता है? सीएसए सिलेंडर का होता है 2πRH और हेमिस्फीयर का होता है 2πR2। तो क्वेश्चन तो आपका सिर्फ एक लाइन का ये था, ये वाला पार्ट। यहां से भी आप क्या कर सकते थे? 2πR कॉमन ले सकते थे। तो बचता क्या? H प्लस R। 2 पाई कितना होता है? 22/7। R कितना गिवन है यहाँ पे? रेडियस 7। H प्लस R अगर आप चाहो 13 आ जाएगा। कितना? 13। तो 7 से 7 कैंसिल, तो 44 × 13 कितना होता है भाई? 13 × 4 = 52, अगेन 52 × 5 = 572। कहीं दिया है ऑप्शन में? कहीं पे है 572? यस सर है। दैट्स इट, ये हमारा आंसर था। कुछ समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। यस सर। तो आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ये नोट करिए पहले तो। जीवित हो गया? नो सर। यस सर। गुड। सर समझ में आया? यस सर। दोबारा देखिए इस चीज को, ये तो आपको इतना डिटेल में समझ आया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। जी सर ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। आपसे कहता है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, तो दैट इज अवर होलो हेमिस्फीयर। देख लीजिए कितने सेकंड में करना था। बाय ये होलो सिलेंडर,
यस भाई ये होलो सिलेंडर, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40, सो रेडियस इज 7, दैट्स इट। ये भी 7, ये भी 7, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30, तो ये 30, तो ये 6। आपसे कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपको 2 पाई आर कॉमन लेना था, फाइनली एच प्लस आर लिखना था, वैल्यू रखनी है 2, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, रेडियस रखना है 7, एच प्लस आर, मैंने इसलिए 13 रखा था कि ये मेरा एच है और ये मेरा आर है, नहीं तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी रख सकते हैं कि भाई 6 + 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 44 × 13, द फाइनल आंसर इज 572। मैक्सिमम जो आपका टाइम होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो 40 सेकेंड्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बस, ठीक है सर। तो आज इतना ही बस, मुझे थोड़ा एमबीए की क्लास लेनी है अभी, कल इंशाल्लाह 11 बजे, अगर आप 11 से थोड़ा टाइम कम रहा करेगा तो 10:30 भी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, 10:30 to 12 इंशाल्लाह, 1 or 1.5 hour की क्लास, प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, थैंक यू। तो आपको क्या करना है 10:30 to 12 तक या फिर इंशाल्लाह 11 to 12 डेली आपकी 5-6 days क्लास होगी मैथ्स की। तो आज जस्ट टू इंफॉर्मेशन, जस्ट टू स्टार्ट विद यू, क्लास स्टार्ट करी है, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास लेंगे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन जब हम बात करते हैं तो इसमें हम स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है, जामिया 11 साइंस में सिर्फ 10th का आता है, डिप्लोमा में दोनों आते हैं, उससे भी ज्यादा आते हैं। तो जब हम मेंसुरेशन की बात करेंगे तो प्लेन फिगर्स में ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रेपेजियम्स, उन सब की बात करेंगे, सर्कल्स, सेक्टर्स, सेगमेंट्स और जितने आपके सॉलिड्स हैं, क्यूबॉइड्स, क्यूब, सिलेंडर्स, हेमिस्फीयर्स, ठीक है, कोन एंड आपका इवन जो हमारा वो होता है फ्रस्टम। तो आप प्लीज कल तक के लिए इतना कर लें कि सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लें, वैसे फॉर्मूले की शीट मैं आपके ग्रुप में डालूंगा तो उसमें आप लिख लें, लेकिन फिर भी और उसे याद कर लें। दूसरी चीज ये, हमारा गूगल क्लासरूम है उसका मैं कोड डालूंगा, उसको आप सब बच्चे ज्वाइन कर लें, तो डिप्लोमा वाले बैच सारे उसमें रहेंगे, 11 साइंस वाले बैच। और ये शीट और पेपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो मैं भी आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। सर डिप्लोमा वाले बच्चे सर उस ग्रुप में गूगल क्लासरूम में रहेंगे? डिप्लोमा वाले नहीं, सारे बच्चे 11 साइंस डिप्लोमा वाले जितने बच्चे हैं उनका एक गूगल क्लासरूम होगा, उसमें फायदा ये होता है, क्लास तो इसी पे होगी, जूम पे या गूगल मीट पे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सारे पेपर्स, उसमें सारे असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स, डेली मैसेजेस, डाउट्स, उस टेस्ट भी उसके अंदर होता है, तो वो वहाँ पे आपको सब मिल जाया करेगा, किसी भी टाइम आप ओपन करो, पिछली क्लास के बारे में देखना है, नई क्लास के बारे में देखना है, स्टडी मटेरियल का देखना है, तो वो सारी वर्कशीट्स वहाँ मिलेंगी आपको चैप्टर वाइज, वो इसलिए होता है 24 आवर्स, वो आपकी भी क्लास है मेरी भी क्लास है, कि मुझे अगर कुछ आपको देना है तो मैंने जाके उसमें लिख दिया तो सब बच्चों के पास ऑटोमेटिक, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप ग्रुप ना होगी, वो एक तरह से ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जस्ट लाइक ए क्लास, ठीक है। हर टीचर वहाँ, साइंस वाले टीचर साइंस का लिख देंगे, मैथ्स वाले मैथ्स का लिख देंगे, वो सारा आपका वहाँ सिक्योर रहता है, सेव रहता है, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, सलाम अलैकुम जी बेटे। Thank you.